मेरा दिन अच्छा ना होने की वजह से, मुझसे अच्छे से बाउट ना लड़ने की वजह से मैं बाउट हार गई। और जो कल से ये बातें चल रही हैं कि भाई अंतिम की बहन को पुलिस पकड़ के ले गई है या फिर अंतिम को पुलिस पकड़ के ले गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कल जब मैं बाउट हार गई थी तो उसके बाद मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, मतलब बहुत ज्यादा बुखार हो गया था। वैसे मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो मेरी बहन जहाँ होटल में रहती है मुझे अपने साथ वहां लाने के लिए बोल रही थी। तो मैंने वहां से, मतलब इंडिया वाले से परमिशन ले ली थी कोच से कि मैं अपनी बहन के साथ में जा रही हूँ होटल में, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दी थी। तो मैं इसके साथ होटल में आ गई। यहाँ पे आने के बाद में, मतलब मुझे मेरे सामान की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जो सामान मेरा विलेज में था। तो मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं सो गई थी। तो फिर मेरी बहन मेरा एक्रेडिटेशन कार्ड लेके वहां पे विलेज में चले गई। विलेज में जाने के बाद उसने वहां पे ये पूछ लिया जाके कि भाई ये मेरी बहन का एक्रेडिटेशन कार्ड है, उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, क्या मैं उसका सामान अंदर से ले सकती हूँ? तो उन्होंने एक्रेडिटेशन कार्ड देखा और एक्रेडिटेशन कार्ड उससे ले लिया और वेरिफिकेशन के लिए पुलिस स्टेशन ले गई। और सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए ही, एक्रेडिटेशन कार्ड वेरिफिकेशन के लिए ही उसे पुलिस स्टेशन लेके गए थे, और ना ही मुझे पुलिस स्टेशन लेके गए थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ मेरी बहन गई थी और भी सिर्फ एग्रीडेशन की वेरिफिकेशन के लिए, और एग्रीडेशन की वेरिफिकेशन करने के बाद उसे एग्रीडेशन दे के वापिस भेज दिया था। और बोल रहे हैं कि भाई कोच ने गाड़ी वालों के साथ झगड़ा किया है, ऐसा कुछ नहीं था। जब कल मैं बाउट हार गई थी तो उसके बाद कोच भी बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। तो मेरी तबीयत खराब होने का कारण मैं तो जल्दी होटल में आ गई थी, लेकिन वो वहीं पर रुक गए थे। वो वापस आने के लिए बोल रहे थे। अब हमने उनकी कैब बुक की थी और वो होटल में आ गए थे। होटल में आने के बाद, मतलब लैंग्वेज अलग होने के कारण थोड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि ये बोल रहे थे कि हमारे पास पूरे यूरो नहीं है, हम होटल में ऊपर जाके रूम से यूरो ले आते हैं, रूम में है यूरो। तो मतलब गाड़ी वाले को भी समझ में नहीं आ रहा था अच्छे से, और वो क्या बोल रहा है। ये मेरा दिन अच्छा ना होने की वजह से, मुझसे अच्छे से बाउट ना लड़ने की वजह से मैं बाउट हार गई। और जो कल से ये बातें चल रही हैं कि भाई अंतिम की बहन को पुलिस पकड़ के ले गई है या फिर अंतिम को पुलिस पकड़ के ले गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कल जब मैं बाउट हार गई थी तो उसके बाद मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, मतलब बहुत ज्यादा बुखार हो गया था। वैसे मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। तो मेरी बहन जहाँ होटल में रहती है मुझे अपने साथ वहां लाने के लिए बोल रही थी। तो मैंने वहां से, मतलब इंडिया वाले से परमिशन ले ली थी कोच से कि मैं अपनी बहन के साथ में जा रही हूँ होटल में, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दी थी। तो मैं इसके साथ होटल में आ गई। यहाँ पे आने के बाद में, मतलब मुझे मेरे सामान की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जो सामान मेरा विलेज में था। तो मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं सो गई थी। तो फिर मेरी बहन मेरा एक्रेडिटेशन कार्ड लेके वहां पे विलेज में चले गई। विलेज में जाने के बाद उसने वहां पे ये पूछ लिया जाके कि भाई ये मेरी बहन का एक्रेडिटेशन कार्ड है, उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, क्या मैं उसका सामान अंदर से ले सकती हूँ? तो उन्होंने एक्रेडिटेशन कार्ड देखा और एक्रेडिटेशन कार्ड उससे ले लिया और वेरिफिकेशन के लिए पुलिस स्टेशन ले गई। और सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए ही, एक्रेडिटेशन कार्ड वेरिफिकेशन के लिए ही उसे पुलिस स्टेशन लेके गए थे, और ना ही मुझे पुलिस स्टेशन लेके गए थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ मेरी बहन गई थी और भी सिर्फ एग्रीडेशन की वेरिफिकेशन के लिए, और एग्रीडेशन की वेरिफिकेशन करने के बाद उसे एग्रीडेशन दे के वापिस भेज दिया था। और बोल रहे हैं कि भाई कोच ने गाड़ी वालों के साथ झगड़ा किया है, ऐसा कुछ नहीं था। जब कल मैं बाउट हार गई थी तो उसके बाद कोच भी बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। तो मेरी तबीयत खराब होने का कारण मैं तो जल्दी होटल में आ गई थी, लेकिन वो वहीं पर रुक गए थे। वो वापस आने के लिए बोल रहे थे। अब हमने उनकी कैब बुक की थी और वो होटल में आ गए थे। होटल में आने के बाद, मतलब लैंग्वेज अलग होने के कारण थोड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि ये बोल रहे थे कि हमारे पास पूरे यूरो नहीं है, हम होटल में ऊपर जाके रूम से यूरो ले आते हैं, रूम में है यूरो। तो मतलब गाड़ी वाले को भी समझ में नहीं आ रहा था अच्छे से, और वो क्या बोल रहा है ये।